नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज सपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की साइकिल यात्रा निकाली। नगर देवबंद में सपा नेता कार्तिकेय राणा के नेतृत्व में देवबंद में मजनू वाला रोड में साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कार्तिकेय राणा ने बताया कि आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील पर विधानसभा में यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पिछले 5 सालों में जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और किसानों के जो 3 काले कानून और साथ ही आजम खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के अंदर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा का प्रोग्राम किया है। हमारा महंगाई का मुद्दा है कि महंगाई आज उरूज पर है और भ्रष्टाचार उरूज पर है, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, पूरे प्रदेश में महामारी का आलम है। ऐसा लग रहा है कि जैसा प्रदेश के अंदर कोई सरकारी नहीं हो। तो इसको लेकर के आजम खान साहब की रिहाई को लेकर भी हम लोग सड़कों पर आज उतरे हैं। तो यही हमारे मुद्दे हैं और इसी को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो आदेश दिया था, आज हम सब लोग सड़कों पर हैं। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील पर, हर विधानसभा पर ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 साल में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और जो भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों के जो 3 काले कानून हैं उसके विरोध में, साथ ही साथ आजम खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरा देश देख रहा है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24।